आज इस पार्ट के अंदर हम हॉर्नबिल जो 10+1 की बुक है उसका थर्ड लेसन डिस्कवरिंग टूट्स द सागा कंटिन्यू। सागा मींस होता है ए लॉन्ग स्टोरी ऑफ हीरोइक अचीवमेंट्स, एक लंबी कहानी, एक बहादुरी उपलब्धियों की कहानी, ये इसके अंदर पढ़ेंगे। एआर विलियम्स का लिखा गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लेसन है ये, किस प्रकार एक टूट्स जो एक्सपायर हुए थे, जो टीन एज में ही एक्सपायर हो गए थे किशोर अवस्था के अंदर, उसके बारे में टेक्निकल चीजें, कैसे वो मरे थे या मारे गए थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल में, यहाँ पे डिटेल स्टडी करेंगे। फोरेंसिक कुछ फ्रेजेस दिए गए, उनके मीनिंग देख लेते हैं। फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, फोरेंसिक होता है वैज्ञानिक जांच करना और रिकंस्ट्रक्शन होता है पुनर्निर्माण। स्कडीड अक्रॉस होता है तेज गति से दौड़ना। कैस्केट ग्रे, वेस्केज कैस्केट मैंने टोकरी, ग्रे मैंने सुनहरी कलर की, बट यहां पर बादलों के लिए यूज किया गया है, काले बादल आसमान के अंदर जो तारों को छुपा लेते हैं। रेजरेक्शन होता है जो इस जिंदगी के बाद में जो जिंदगी आएगी, मौत के बाद में जो जिंदगी आती है उसको रेजरेक्शन कहा जाता है। फ्यूनरी ट्रेजर होता है, राजे महाराजा जब मरते थे तो अंत्येष्टि, जब उनको जलाया जा, अंत्येष्टि करते थे, दफनाते थे, उसके साथ में कुछ चीजें रख देते थे आवश्यक चीजें, उसको फ्यूनरी ट्रेजर कहा है। सर्कमवेंटेड होता है धोखा देना, धोखे से उड़ा ले जाना, किसी चीज को चोरी कर ले जाना। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन, सीटी दोनों के आगे के वर्ड देखेंगे, सीटी स्कैन जिसको हम आजकल कहते हैं वो कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है। टोमोग्राफी तो शरीर के हर पार्ट की क्रिस क्रॉस तरीके से अध्ययन करना। एरी डिटेल्स होता है असाधारण वर्णन जिसको हम कहेंगे, यहाँ पे सारी बातें इनको यूज करेंगे इसके अंदर। अभी ही वॉज जस्ट ए टीनेजर, टीनेज होता है 13 to 19, जहां पे टीन लगाया जाता है काउंटिंग के अंदर उसको टीनेज कहा जाता है। किशोर अवस्था, वो किशोर अवस्था में ही था वेन ही डाइड, जब वो मर गए थे। द लास्ट एयर होता है उत्तराधिकारी, अंतिम उत्तराधिकारी थे ऑफ ए पावरफुल फैमिली, एक शक्तिशाली परिवार के, दैट हैड रूल्ड इजिप्ट होता है मिसर, जिसने उनके परिवार ने शासन किया था मिसर पर एंड इट्स एम्पायर उसके सारे साम्राज्य पे फॉर सेंचुरी शताब्दियों तक। He was laid to rest laden with gold, उसको लेटा दिया गया, डाल दिया गया कबर के अंदर, laden to rest, laden लदा हुआ था with gold, सोने के साथ, and eventually और अंत में forgotten, भूल गए। Since the discovery of his tomb, जब उसकी खोज हुई उसकी कबर की 1922 के अंदर, तब तक द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड, तब तक आधुनिक दुनिया को अनुमान था, यह स्पेकुलेटेड अनुमान था अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, उसके साथ क्या हुआ था, विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, उसकी हत्या की गई होगी ये एक्सट्रीम ज्यादा संभावना थी। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम, अब लिविंग छोड़ते हुए अपनी कबर को पहली बार इन ऑलमोस्ट 80 ईयर, लगभग 80 सालों में, टूट हैज अंडरगोन ए सीटी स्कैन, की टूट का सीटी स्कैन कराया गया, दैट ऑफर्स न्यू क्ल्यू, जिससे नए संकेत मिलते अबाउट हिज लाइफ, उसके जिंदगी के बारे में एंड डेथ और मौत के बारे में, एंड प्रोवाइड्स और उपलब्ध कराते हैं प्रिसाइज, सही विस्तार से डाटा, आंकड़े फॉर एन एक्यूरेट, सही तरीके के फोरेंसिक वैज्ञानिक जांच के लिए, रिकंस्ट्रक्शन जो उसके पुनर्निर्माण में काम आएंगे। और बॉयस फैरो, ये लड़का जो एक किशोर अवस्था में, फैरो में राजा की उपाधि को कहते थे जो मरा था, उसके लिए सही आंकड़े उपलब्ध कराएंगे। एन एंग्री विंड, तेज हवा, क्रोधित हवा जो थी, स्टीयर्ड अप गोस्टली डस्ट की, उसने हिला दिया, स्टीयर्ड होता हिला देना, अब गोस्टली भयानक से रेत के शैतान जो है खड़े कर दिए, एज किंग टूट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, जैसे ही राजा टूट्स को निकाला गया उसके रेस्टिंग प्लेस, उसके कबर के अंदर से, जहां पे आराम की अवस्था में था, इन द एंशंट इजिप्टियन सीमेंट्री, प्राचीन मिस्र के कब्रिस्तान के अंदर सीमेंट्री, नोन एज द वैली ऑफ द किंग, जिसको राजाओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। डार्क बैलिड क्लाउड्स, काले काले बादल, काली तोंद वाले बादल जिसको हम कहेंगे, बैलिड मैंने पेट होता है वैसे है, तोंद कह लें, हैड स्कडीड अक्रॉस, तेज गति से चल रहे थे द डेजर्ट स्काई, उस रेगिस्तान के आसमान में, ऑल डे सारा दिन जो है काले बादल जो है तेज गति से चलते रहे। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स, अब वो ढक रहे थे, वेल होता ढकना द स्टार, तारों को, इन कैस्केड ग्रे, मतलब जो काले बादल थे कैस्केड ग्रे, वे जो तारे थे ऊपर उनके, उनको ढका जा रहा था बादलों के द्वारा। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, 5 जनवरी 2005 को शाम के 6 बज गए थे। द वर्ल्ड मोस्ट फेमस मम्मी, मम्मी डेड बॉडी को कहते हैं, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मम्मी, ग्लाइडेड हेड, ग्लाइड होता नीचे डाल देना, हेड फर्स्ट इन टू सीटी स्कैन, उनके सिर को पहले सीटी स्कैन में डाला गया, स्कैनर्स में, ब्रोट हेयर टू ग्रोब, यहाँ पर लाया गया था प्रोब जांचने के लिए। द लिंगरिंग, जो रुकी हुई मेडिकल
चिकित्सिक मिस्ट्रीज रहस्य थे ऑफ दिस लिटल इस छोटे से अंडरस्टूड समझे गए यंग रूलर नौजवान शासक के बारे में जो रहस्य थे जो मेडिकल रहस्य थे उन जो आज तक रुके हुए थे उसकी जांच करने के लिए इनकी मम्मी को लाया गया। सीटी स्कैन में उसके सिर को पहले डाला गया। हु डाइड मोर देन 3300 ईयर एगो, जो लगभग 3300 साल पहले मरे थे। ऑल आफ्टरनून, सारी दोपहर बाद, द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट, आम जो पंक्ति थी यात्रियों की फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, सारी दुनिया के अंदर से यात्री आ गए वहां पे, हैड डिसेंडेड इन टू द क्रैम्प्ड, होता है तंग सा, डिसेंडेड होता है उतर जाना, वे उतर गए थे उस तंग, उसकी कबर के मतलब जो बीड़ी सी कबर थी, रो कट्टोम चट्टान को काट कर जो कबर बनाई गई थी, सम 26 फीट अंडरग्राउंड, लगभग 26 फुट नीचे जमीन के अंडरग्राउंड, टू पे देयर रिस्पेक्ट, अपना सम्मान देने के लिए उसमें जा रहे थे टूरिस्ट यात्री सारी दुनिया से आए हुए जो थे। दे गेज्ड होता देखना, घूर के देखना, टकटकी लगा के, एट द म्यूरल्स होता है भित्ति चित्र, जो दीवार पे चित्र बनाए जाते हैं उसको म्यूरल कहा जाता है, उन चित्रों पे दीवार के चित्रों को देख रहे थे, भित्ति चित्रों को, ऑन द वॉल दीवारों पे, ऑफ द बरियल चैम्बर, जो उनका कबर जो थी उसके बरियल चैम्बर, जिसमें बरियल होता है दफनाना, चैम्बर में कक्ष जिसमें उसको दफनाया गया था, एंड पियर्ड होता है देखना, एट टूट्स गिल्डेड फेस, गिल्डेड होता है सुनहरी, सोने का जैसा सुनहरी रंग के चेहरे को टूट्स के देख रहे थे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी सेव्ड आउटर कॉफिन स्लिट, द मोस्ट स्ट्राइकिंग, अधिक आश्चर्यजनक, स्ट्राइकिंग प्रहार करने वाली फीचर, विशेषता थी ऑफ हिज मम्मी, उसकी डेड बॉडी की, मम्मी से आउटर कॉफिन लिड, वो बाहर का जो कॉफिन का ढक्कन था, ताबूत का ढक्कन था, वो एक आश्चर्यजनक विशेषता वाला था। सम विजिटर रीड फ्रॉम गाइड बुक से इन विस्पर, कुछ यात्रियों ने रीड फ्रॉम गाइड्स बुक से, जो मार्गदर्शी पुस्तकें होती है, इन विस्पर धीरे से पढ़ा। अदर स्टूड साइलेंटली, कुछ चुपचाप खड़े रहे, परहैप्स शायद पोंडरिंग विचार कर रहे थे। टूट्स अनटाइमली डेथ की, जो टूट्स था उसकी अनटाइमली, बिना समय के, समय से पहले मौत हो गई थी, इन हिज लेट टीन्स, वो लगभग 18-19 साल की अवस्था में थे, लेट टीन्स में थे, 17 से 19 के बीच में। और वंडरिंग, आश्चर्य हो रहा था विद सीवर्स इफ द फेरोज कार से, विद सीवर्स एक कप कॉपी के साथ में, इफ द फेरोज कार से, क्या ये फेरो का ही श्राप था, डेथ मौत और मिसफॉर्चून या दुर्भाग्य था, फॉलिंग अपॉन दोज, जो उनके ऊपर गिरा, हु डिस्टर्ब हिम, जिन्होंने इसे तंग कर दिया था, वाज रियली ट्रू, क्या ये वास्तव में सच था कि एक श्राप, जो उस फैरो का श्राप इन लोगों पे गिरा है जो उसको आराम करने की अवस्था में भी तंग कर रहे हो। वंडरिंग विद दोज, आश्चर्य हो रहा था विद सीवर, एक कंप का भी छूट रही था फैरोज कर सी, क्या इस फैरो का ये श्राप होगा, इसका टूट्स का, डेथ और मिसफॉर्चून की, मौत भी हो सकती है या दुर्भाग्य भी, कुछ मिस विडंबना भी हो सकती है उन लोगों के साथ में, फॉलिंग अपॉन दो जून लोगों के ऊपर, हु डिस्टर्ब हिम, जिन्होंने इसे यहाँ पर परेशान किया, आवाज रियलिटी के वास्तव में सच थी, यहाँ पे बात की गई है उन लोगों की जो इसकी छानबीन कर रहे हैं। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशंस की, जो उसकी मम्मी थी, डेड बॉडी जो थी, मीन्स वो बहुत ही बुरी स्थिति में थी, बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s, 1920 के अंदर कार्टर ने, उसने भी इससे छेड़खानी की थी। सेड जाही हवास जी कहते हैं, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, एंटीक्विटीज के ये जो जाही हवास जो हैं, ये सचिव हैं, ये कहते हैं कि मम्मी जो है बहुत ही बुरी स्थिति में थी, कि कार्टर ने 1920 में जो इसके साथ छेड़खानी की थी उसकी वजह से। एंड ही लीन्स ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, और वो झुके, लीन्स होता है झुकना, ओवर द बॉडी के ऊपर, फॉर द लॉन्ग, लंबे समय तक पहली बार नजर डाली। कार्टर हॉवर्ड्स, कार्टर पूरा नाम था इनका, दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, थे पुरातत्व विज्ञानी, थे आर्कियोलॉजिस्ट होता पुरातत्व विज्ञानी, जो प्राचीन चीजों का अध्ययन करते हैं, ये इंग्लैंड के थे। हुई इन 1922 में डिस्कवर टूट्स टोम, उन्होंने पता लगाया था टूट्स की टोम कबर के बारे में, आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, वर्षों की फ्यूटाइल निरर्थक खोज के बाद में उन्होंने पता लगा लिया था, इट्स कॉन्टेंट्स, उसका सब चीजें, दो इट्स कॉन्टेंट, उसकी सामग्री, अंदर की सामग्री, विषय वस्तु जिसको हम कह सकते हैं। दो हेस्टली यद्यपि जल्दबाजी में, रेन से होता तोड़फोड़ करना, इन एंटीक्विटीज की बड़े जल्दबाजी, प्राचीन चीजों की जल्दबाजी में तोड़फोड़ की गई थी, वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, बल्कि आश्चर्य विचित्र तरीके से पूर्ण थी सभी चीजें। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शंस एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फैरोज लीजेंड,
दे रिमेन्स द रिचेस्ट रॉयल्स, वे रहे, दे रिमेन्स रहे रिचेस्ट, सबसे समृद्धशाली राजसी संग्रह एवर फाउंड जो आज तक कभी पाया हो, एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ फैरोज लीजेंड, और एक हिस्सा बन गए थे इस फैरो की दंत कथा का। स्टनिंग्स आर्टिफैक्ट इन गोल्ड, द रिमेन्स जो चीजें रही थी, द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड जो आज तक कभी पाए हो, एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फैरोज लीजेंड, और ये दंत कथा बन गए थे उसकी फैरो की कहानियों का। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, आश्चर्य में डालने वाले विचित्र तरीके के जो वस्तुएं थी, आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड सोने की, देयर इटर्नल ब्रिलियंस, और उनकी इटर्नल होता अनंत और ब्रिलियंस होता चमक, मीन्स टू गारंटी रिजरेक्शन, के पक्का था कि उनके रिजरेक्शन होता पुनर्जन्म के बारे में पक्की चीजें थी। यहाँ पे कास्ट ए सेंसेशन, एक सनसनी फैला दी थी एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी, जब इसकी खोज हुई थी, एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और अब भी ज्यादा ध्यान इन्हीं चीजों के ऊपर जाता है। बट टूट्स वाज ऑलमोस्ट आल्सो ब्रीड्स विद एवरीडे थिंग्स, परंतु टूट्स को दफनाया गया था, ब्रीड्स किया गया था विद द एवरीडे थिंग्स, जो रोजमर्रा की आवश्यक चीजें हैं उनके साथ में। ही वुड वांट इन आर्ट आफ्टर लाइफ, जो बाद की जिंदगी में उसे जरूरत पड़ेगी, रिजरेक्शन मतलब पुनर्जन्म के अंदर जरूरत पड़ेगी। बोर्ड्स गेम, ब्रोंज रेजर, लाइनिंग्स अंडर गारमेंट्स, कपड़े सारे के सारे, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन्स, बर्तन शराब के और खाना खाने के, सभी चीजें उसके साथ डाल दी गई। रेजर था ब्रोंज का बना हुआ, दाढ़ी बनाने वाला गेम के फटे थे। आफ्टर मंथ ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग, महीनों तक सावधानी से इन चीजों को रिकॉर्ड करके, गणना करके, द फैरोज फ्यूनरी ट्रेजर, की फैरो का जो खजाना था, फ्यूनरी अंत्येष्टि का खजाना, उसका महीनों तक सावधानी से अध्ययन किया गया। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज थ्री नेस्टेड कॉफिन, तो कार्टर ने शुरू कर दिया खोज करना, इन्वेस्टिगेटिंग करना, हिज थ्री नेस्टेड कॉफिन, उसका तीन परत वाला जो ताबूत था, कॉफिन जो था उसको। ओपनिंग द फर्स्ट, पहली परत को खोला गया, ही फाउंड ए श्राउड, होता है कफन, उसने कफन पाया, अडोन जो सजा हुआ था विद गार्लैंड, मालाओं से, ऑफ विलो एंड ओलिव लीव्स, ये पत्ते हैं विलो के और ओलिव के पत्तों से जड़ित था, वो मालाएं थी उसके ऊपर। वाइल्ड सेलेरीज, वाइल्ड सेलेरीज ये लौंग वगैरह थे, अजमाइंस, जंगली अजमाइंस, लोटस के पेटल्स की, लोटस कमल के फूल की पंखड़ियां, एंड कॉर्न फ्लावर्स, और मक्के की फूलों की माला। द फेडेड एविडेंस ऑफ द बरियल इन मार्च और अप्रैल, कि ये कुछ थोड़ी सी प्रमाण था थोड़ा सा, और बरियल इनको मार्च या अप्रैल में दफनाया गया था। इन बातों से यह स्पष्ट था कि यह मार्च अप्रैल का महीना था जब उन्हें दफनाया गया था। When he finally reached the mummy, जब अंत में सारे कोफिन को क्रॉस करते हुए अंत में डेड बॉडी तक पहुंचा, मम्मी तक, दो ही रेन इंटू ट्रबल्स, यद्यपि वो मुसीबत में पड़ गया है, रेन इंटू ट्रबल, मुसीबत में पड़ गया। द रिचुअल रेजिन, होता गोंद जिसको हम कहते हैं, जो परंपरागत गोंद था, रिचुअल रेजिन, जो गोंद, जो परंपरागत तरीके से गोंद उसमें लगाया गया था, हैड हार्डन, होता कठोर करना, सीमेंटिंग टूट्स टू द बॉटम, सीमेंट तो जम जाना, टूट्स की बॉडी जो है नीचे से जम गई थी, ऑफिस सॉलिड गोल्ड कॉफिन, जो सॉलिड कठोर गोल्ड सोने का जो ताबूत था उसके अंदर नीचे से जमा हुआ था। नो अमाउंट ऑफ लेगिटिमेट, होता जायज, उचित जिसको हम कहें, फोर्स होता ताकत, अगर सही उचित सी ताकत उसके लगाई जाए, कुड मूव देम, उससे वो हिला नहीं था। कार्टर रोड्स लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा है कि जायज सी जो लेगिट में जायज उसके ऊपर ताकत लगाने से वो अपनी जगह से नहीं हिला, कोई भी जायज ताकत से। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर्स दिस फार साउथ इन इजिप्ट, एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिन। दरअसल सूर्य की जो गर्मी थी, कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर, हथौड़े की तरह गर्मी वहां पे पड़ रही थी, हैमर मीन्स होता है हथौड़ा।
दिस फार साउथ, ये दूर दक्षिण में, मिस्र के दक्षिण के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा सूर्य की पड़ रही थी, और कार्टर ने, हार्वर्ड कार्टर ने ट्राइड कोशिश की टू यूज इट टू लूजन द रेजिन, कि गोंद को ढीला करने के लिए, शायद गर्मी की वजह से ये ढीला हो जाए, उसको मैं यूज करने की प्रयोग किया कि उसने कोशिश की कि उतर जाए शायद, फॉर सेवरल आवर्स ही सेड द मम्मी, कई घंटों तक उसने मम्मी को, डेड बॉडी को आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन, उस सूर्य की गर्मी के, ब्लेजिंग तपते हुए सनशाइन, सूर्य की गर्मी में रख दिया, दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फारेनहाइट पे उसको गर्म किया गया, नथिंग बज्ड हो तक कुछ नहीं निकला, वहां पे कोई रिजल्ट नहीं निकला, कुछ नहीं हुआ। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट से, कि उसने ये सूचना दी भी साइंटिफिक, वैज्ञानिक डिटैचमेंट, अलगाव से या भावात्मक तरीके से, दैट ही कंसोलिडेटेड मटेरियल, जो इकट्ठा जमा हुआ जो मटेरियल था, हैड टू बी चीजल्ड अवे, चीजल छेनी से उतारना पड़ा, फ्रॉम बेनिथ नीचे से, द लिम्ब्स उसके अंग एंड ट्रंक और धड़ को, बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन, से संभव था, ये संभव था उठाना, राजा के अवशेषों को उठाना, कि छेनी से उतारना पड़ा था। फिर इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटल चॉइस, उसकी बचाव पक्ष में कार्टर के पास वास्तव में बहुत कम विकल्प था। इफ ही हैडंट कट द मम्मीज फ्री, अगर वो काटकर उस डेड बॉडी को फ्री नहीं करता, थीज मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड, कि चोर जो है निश्चित रूप से धोखा देकर गार्डों को, एंड रिप्ड इट ए पार्ट, उसको काट के वहां से, इसको अलग करके, पार्ट करके, टू रिमूव द गोल्ड, सोने को उठाकर ले जा सकते थे, पूरी संभावना ये थी। इन टर्स टूट्स टाइम द रॉयल्स वर फेवरेसली वेल्थीज, राजा के समय में रॉयल्स, राजा जो है टूट्स के समय में, राजे जो है, राजे महाराजे, वर फेवरेसली होता विचित्र तरीके से वेल्दी, अमीर होते थे। एंड दे थॉट, वो सोचते थे, और होप आशा करते थे दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, कि अपनी जो अमीरी है वो अपने साथ ले जाए। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, से इस यात्रा से अगली दुनिया की यात्रा तक, दो ग्रेट बियॉन्ड जो बाद की जिंदगी है, किंग टूट्स वाज लैविस्ट विद ग्लिटरिंग गुड्स, किंग टूट्स जो इसी तरीके से लैविस्ट उसको सजा दिया गया विद ग्लिटरिंग चमकती हुई वस्तुओं से, प्रीसियस कोलर बहुमूल्य कोलर्स, इनलेड नेकलेस डाले गए साथ में, नेकलेस, ब्रासलेट, रिंग्स, एमुलेट, सेरेमोनियल अप्रेन, सैंडल्स, सीट्स, ये उंगलियों में डालने का होता है, सीट्स फॉर फिंगर्स एंड टोज, पैर की उंगलियों के लिए और हाथ की उंगलियों के लिए सीट्स डाले गए, एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन, और जो एक मूर्ति थी अंदर के ताबूत में, एंड मास्क और नकाब, एंड नाउ आइकॉनिक्स इनर, अंदर का पार्ट जो था मूर्ति नुमा था कॉफिन का, ताबूत का, एंड मास्क और नकाब, एंड ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, और सारी की सारी चीजें शुद्ध सोने की थी। टू सेपरेट टूट्स फ्रॉम हिज अडोरमेंट्स, अलग करते हुए टूट्स को अपने इन अडोरमेंट, सजाने की चीजों से, अडोरमेंट उन्हीं के लिए यूज किया गया है। कार्टर्स मैन रिमूव द मामीज हेड एंड सीवर्स नियरली एवरी मेजर पॉइंट, सीवियर होता काट देना। कार्टर के आदमियों ने रिमूव मम्मी के सिर को हटाया, पहले डेड बॉडी को, सीवर्स नियरली काट दिया, नियरली एवरी मेजर ज्वाइंट, लगभग जो बड़े ज्वाइंट थे उनको काटा गया। वंस दे हैड फिनिश, जब उन्होंने एक बार काम खत्म कर दिया, दे रीअसेंबल द रिमेन, रीअसेंबल्ड होता दोबारा इकट्ठे करना, द रिमेन जो होता अवशेष, जो अवशेष थे उनको दोबारा इकट्ठा किया गया, ऑन ए लेयर ऑफ सैंड, रेत की परत के ऊपर, इन ए वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के डब्बे में, विद पैडिंग, गद्देदार गद्दे डाल के, दैट कॉन्सील्ड द डैमेज, कॉन्सील्ड होता छुपा देना, द डैमेज जो नुकसान हुआ ताकि वो छुप जाए, द बेड्स नीचे के हिस्से पे, वेयर टूट वाज नाउ रेस्ट, जहां पे टूट जो है अब आराम की अवस्था में था। आर्कोलॉजी पुरातत्व विज्ञान जो है चेंज्ड, बदल गई थी सब्सटेंशली बहुत अधिक इन द इंटरवेनिंग डिकेट्स, बीच के दशकों के अंदर जो है पुरातत्व विज्ञान बहुत कुछ बदला। डिकेट में दशक होता है, इंटरवेनिंग बीच के, सब्सटेंशली बहुत अधिक चेंज मैंने बदला। आर्कोलॉजी पुरातत्व विज्ञान बीच के वर्षों में चेंज बहुत कुछ बदली। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, फोकसिंग होता है ध्यान केंद्रित करना, लेस कम ऑन ट्रेजर, खजाने के ऊपर बहुत कम ध्यान था, एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल, और ज्यादा था उन आश्चर्यजनक डिटेल वर्णन के ऊपर ऑफ लाइफ, जिंदगी के, एंड इंट्रीगिंग होता है पेचीदा, इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज, और जो जटिल रहस्य थे ऑफ डेथ, मौत के। इट आल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, सोफिस्टिकेटेड टूल्स, जटिल, अधिक से अधिक मुश्किल से मुश्किल जटिल औजारों का प्रयोग किया गया।
इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, जिसमें ये मेडिकल की तकनीकी भी शामिल थी, वैज्ञानिक उसमें मेडिकल की स्वास्थ्य की जिसको हम कहेंगे वो तकनीक भी शामिल थी। इट ऑल्सो यूज मोर इंक्लूडिंग इन 1968 में मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, 40 सालों के बाद कार्टर की खोज के 40 सालों के बाद एन एनाटोमी प्रोफेसर, जो शरीर रचना का अध्ययन करने वाले हैं उन पर अध्यापक, एक्सरे द मम्मीज से उन्होंने एक्सरे किया मम्मीज का एंड रिवल्ड उन्होंने प्रकट किया। रिवल्ड ए स्टार्टलिंग फैक्ट, एक आश्चर्यजनक सच्चाई उन्होंने प्रकट की। बैनी द रेजिन्स की उस गोंद के नीचे, बैनी तो नीचे, बैनीज द रीजन के नीचे, दैट केक द ही चेस्ट, जो जमा था सख्त था ही चेस्ट उसकी छाती के ऊपर, हिज ब्रेस्ट बोन्स एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, उसकी ब्रेस्ट छाती की बोन हड्डी और फ्रंट रिब और सामने की मांसपेशियां गायब थी, ये बात उन्होंने प्रकट की है। टुडे डायग्नोस्टिक इमेज से कैन बी डन, से आज के समय में डायग्नोस्टिक जो होता है पुरातन जो नैदानिक जिसको इलाज करना होता है डॉक्टर कहते हैं डायग्नोज करते हैं, डायग्नोस्टिक इमेज नैदानिक जो रूप हैं कैन बी डन से किए जा सकते हैं विद कंप्यूटर टोमोग्राफी सीटी स्कैन से, और सीटी कह सकते हैं आप हम इसको, बाई विच हंड्रेड ऑफ एक्सरे, जिससे सैकड़ों एक्सरे इन क्रिस क्रॉस आड़ी तिरछी अवस्था में आर पुट टुगेदर, इकट्ठी डाली जाती हैं, लाइक स्लाइसिस होता है टुकड़े और ब्रेड, जिस प्रकार ब्रेड के टुकड़े होते हैं, टू क्रिएट ए थ्री डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, एक बनाने के लिए तीन आयामों का वास्तविक शरीर बनाने के लिए, वर्चुअल वास्तविक बॉडी शरीर डायमेंशनल आयाम होता है। बट मोर वुड ए सिटी स्कैन रिवल्स, और इससे ज्यादा क्या सिटी स्कैन प्रकट कर सकता है, रिवल्स कर सकता है ऑफ टूट्स के बारे में देन द एक्सरे के बजाय, ये बहुत ज्यादा कुछ इसने प्रकट किया। एंड कुड इट आंसर्स टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, क्या ये उत्तर दे सकता था उन दो बड़े प्रश्नों का, स्टिल लिंगरिंग जो अब भी विलंबित थे अबाउट हिम, उसके बारे में, हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मरा था, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और अपनी मौत के समय में वो कितने साल का था, ये दो अब भी रहस्य बने हुए थे, कैसे वो मरा था और उसकी उम्र कितनी थी उस समय पे। किंग टूट्स डिमाइज वाज ए बिग इवेंट, राजा टूट्स की जो हत्या थी, डिमाइज होता मौत, वाज ए बिग इवेंट, बहुत बड़ी घटना थी, इवेंट घटना थी, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, यहां पर हम राजसी स्तर पे देखें रॉयल स्टैंडर्ड के ऊपर भी, ही वाज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, अपने परिवार की पंक्ति में वो अंतिम था, एंड द फ्यूनरल्स वाज द डेथ रैटल्स ऑफ ए डायनेस्टी, और इनकी अंत्येष्टि मौत जो है ऑफ वाज द डेथ रैटल्स होता है मौत की घंटी थी ऑफ ए डायनेस्टी होता वंश, उनके वंश की मौत की घंटी थी, इनकी मौत मीन्स उनका वंश ही खत्म हो गया यहाँ पे। बट द पार्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे, परंतु जो विशेष चीज थी उसके गुजर जाने की पासिंग अवे की, एंड इट्स aftermath और बाद के प्रभाव जो हैं आर अनक्लियर, वो आज तक स्पष्ट नहीं है। बाकी का जो पार्ट्स है हम इनके परिवार के बारे में कुछ बातें आएंगी लास्ट में, फिर जाके इनके बारे में आएंगी वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर उसको डाल दिया जाएगा। थैंक यू।